आपके जो रिकमेंडेशन सजेशन जो भी आप लोगों ने दिए हैं इनको अवश्य ही जो है लागू करवाया जाएगा, इनको रिवाइज करवा के डॉक्यूमेंटेड करके अगली SRG की मीटिंग में जब आप आएंगे आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आप लोग रेगुलर रिसोर्स हैं, स्टेट रिसोर्स ग्रुप के सदस्य हैं, आप लोगों को समय समय पर महीने डेढ़ महीने दो महीने के अंतराल पर आप लोगों को बुलाया जाएगा। आप लोगों से आप इन चीज़ों का प्रभाव फील्ड में क्या पड़ रहा है समय समय पर आपसे मार्गदर्शन लिया जाएगा। अपनी ऊर्जा को बनाए रखें, इसी प्रकार कॉन्ट्रीब्यूट करते रहें। मैंने जैसे पहले कहा था कि एक धारणा है कि बंद कमरे में बैठ के पाँच चार लोग नीतियाँ बना लेते हैं, उनको धरातल की जानकारी नहीं होती। और वो अब ये लोग 93 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो अगर लोग गाड़ियां देंगे तो इन 93 लोगों को देंगे, ठीक है। और ये 93 लोग कहेंगे नहीं नहीं यार ये बात झूठ है भाई, हम भी थे भाई, ये जड़ मारी काटी हुई है भाई, जो नाश जो कह रहे थे ना नाश ठा दिया, जो नाश मार रखाया था भाई। मतलब देखिए किसी भी प्रोजेक्ट की सफलता के लिए जरूरी है स्टेक होल्डर के साथ चर्चा करके ही चीज बने। स्टेक होल्डर क्या चाहता है, धरातल की सच्चाई क्या है, स्टेक होल्डर ही खुद चीज बनाए तभी चीज की सफलता होती है, तभी योजनाएं सफल होने के बारे में जो है गुंजाइश पैदा की जा सकती है। आप लोग यहाँ आए 3 दिन रहे, ये गीत के साथ जी अगर कोई भी दिक्कत हुई यहाँ पे उसके लिए मैं अपनी पूरी जिम्मेवारी लेता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, अगली बार में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर यहाँ जो जो कुछ भी अच्छा हुआ है वो आपकी बदौलत है, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। कृपया इस प्रकार की सकारात्मकता को बनाए रखें। एक जो गलती हम लोगों से हुई है, आप लोगों को सूचना देने में, यहाँ कार्यक्रम में आने की सूचना देने में हम लोगों से गलती हुई है, उसके लिए मैं पुनः माफी मांगता हूँ। दोबारा जब SRG की मीटिंग रखी जाएगी आपसे पूछ के रखी जाएगी, और कम से कम 5-4 दिन पहले आपको बताया जाएगा कि अपना बैग बैकअप कर लीजिए। मुझे मालूम है जब एकदम से अचानक से जो संदेश आता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, आदमी इच्छा के बाद भी जो है फिर अवॉइड करता है कि अरे इमीडिएट क्या करें। तो आपको अपनी ऊर्जा बनाए रखिए, हमने वादा किया था कि हम 1 बजे जय बोल देंगे, बोल देंगे, कल बज गए ज़्यादा हो गए 1:30 बजे, हाँ तो आप बिल्कुल हम लोग लेट चल रहे हैं। और बोल से आप श्री रामचंद्र की जय, और अपना भोजन करें आप, उसको क्या सम्मान दिया जाए, तो उसके बारे में भी एक ग्रुप बना हुआ था जो हमारे जो सम्मानीय साथी हैं प्रेम सिंह जी पूनिया जी, जो लाइन प्रिंसिपल हैं, इनके नेतृत्व में एक टीम थी हमारी। तो मैं कोड़ा साहब को कहूंगा कि वो अपने विचार जो भी हमारे साझा हुए हैं वो डिस्प्ले। आदर सम्मानीय के सभी साथियों, हमारे ग्रुप को टारगेट किया गया था कम किस तरह से हम टीचर्स को अप्रेज करें और उसके साथ साथ जो सक्सेस स्टोरीज है उनको किस प्रकार से शेयर करें। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे प्रकार से सब्जेक्ट्स की जो बातें यहाँ पर शेयर करी हैं वही बातें टीचर्स अपनी क्लास पे करेगा। हमने माना है कि वहाँ पर 90% दक्षता जब हो जाएगी उस क्लास की तो उस क्लास के टीचर को विनर टीचर घोषित किया जाएगा। विनर टीचर घोषित करने के लिए एक ऐप के माध्यम से या एक स्टैंडर्डाइज्ड टूल जो है वो विद्यालय में दिया जाएगा, उसकी 2 बार टेस्टिंग होगी जिस प्रकार से हम अपने सेमेस्टर के अनुसार करते हैं। तो उसमें जब हम टेस्टिंग कर रहे होंगे तो दक्षता पहले से ही निर्धारित है, 90% बच्चे 100% दक्षता जब पूरी कर लेंगे तो वो हमारा विनर टीचर घोषित होगा। सभी विनर टीचर्स स्कूल से डिसाइड किए जाएंगे, क्लस्टर के जो कोऑर्डिनेटर हैं और उनके साथ जो साथी हैं या दूसरे स्कूल के साथी हैं वो उस चीज को इवेल्युएट करेंगे कि जो टीचर ने अपनी दक्षता अपने आप से बताई है कि उसके 90% बच्चों को 100% दक्षता आती है, क्या वो सही है या नहीं। जब वो सही घोषित कर दी जाएगी तो उसके बाद उनको 3 ग्रेड्स में ब्लॉक की टीम डिसाइड करेगी। क्लस्टर से सभी विनर टीचर्स आ जाएंगे और विनर टीचर्स के लिए ब्लॉक लेवल की टीम होगी जो उनको
मार्क्स के अनुसार कि किसी के 90 थे, किसी के 95 थे, किसी के 100 थे, तो उस तरह से 3 स्टार्स के रूप में 5 स्टार, 4 स्टार और 3 स्टार घोषित करेगी कि 95% किसी के बच्चे 100% दक्षता लेते हैं तो वो हमारा जो होगा 4 स्टार टीचर होगा। 90 से लेके 95 तक, 91 से 95 तक जो होगा वो 3 स्टार टीचर होगा और 95 से लेके 100 तक जो होंगे वो हमारे 5 स्टार टीचर होंगे। डिस्ट्रिक्ट में जब चयन किया जाएगा तो उसमें हम 4 और 5 स्टार टीचर्स को नॉमिनेट करेंगे और संख्या के अनुसार जितना भी होगा उसके अनुसार उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो इसी तरह से ये चैनल हमने सोचा है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को हम लेकर जाएं कि वो हमारे विनर टीचर बने और विनर टीचर्स में से ज़्यादा को हम लेकर जाएंगे 95 वाले कितने हैं और 100 वाले कितने हैं और उनको प्रोत्साहित किया जाए। उद्देश्य ये है कि अगर हमारी 1000 क्लासेस हैं और हम ये मानते हैं कि 800 क्लासेस हमारे 100% वाली हैं तो 800 टीचर्स को रिकॉग्नाइज किया जाए ताकि जो 200 टीचर्स काम नहीं करते वो उनको देखकर काम करें कि उनकी रिकॉग्निशन हो रही है दूसरों की नहीं हो रही। और इसी प्रकार से जो 3 टाइम हमने रखे हैं कि 15 अगस्त से टीचर को बता दिया जाएगा कि आपकी इवैल्यूएशन होनी है और 2 अक्टूबर तक पहली बार इवैल्यूएशन हो चुकी होगी और ये वही पीरियड होगा जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का लगभग चलता है अप्रैल से लेकर सितंबर तक। उसके बाद सितंबर से लेकर दिसंबर तक नेक्स्ट दक्षताएं चलेंगी और दिसंबर में फिर उन्हें बता दिया जाएगा कि दिसंबर में अब टेस्ट होगा और 26 जनवरी को उस डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो बेस्ट टीचर होगा उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। जो हेड टीचर्स हैं जिसकी 3 क्लासेस सक्षम हो चुकी हैं उन्हें लिया जाएगा कि 1st, 2nd, 3rd 3 क्लासेस के सभी टीचर सक्षम हो गए हैं तो वो टीचर्स आएंगे हमारे क्लस्टर लेवल पे। क्लस्टर से क्राइटेरिया हमने डिसाइड किया उसके अनुसार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको प्रोत्साहन मिलेगा। इस तरह से बच्चों के 2 बार टेस्ट होंगे। अगर कोई ऐप बनाई जाती है तो ऐप में भी उसके ऊपर बच्चा कभी भी अटेम्प्ट कर सकता है और अटेम्प्ट करने के बाद अगर उसकी दक्षता पूरी हो जाती है तो उसको क्लस्टर लेवल के जो अधिकारी हैं ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं उनकी टीम्स उसमें एक्सटर्नल लोगों को भी शामिल किया जा सकता है और इंटरनल भी किए जा सकते हैं दूसरे स्कूल्स के भी किए जा सकते हैं उनको शामिल किया जाएगा। इसके बाद हमने बात की कि ये तो हो गया बच्चे का और टीचर का संबंध, पेरेंट्स को किस प्रकार से इन्वॉल्व किया जाए। जिस बच्चे की उपस्थिति 100% है उस बच्चे के माता पिता को सम्मानित किया जाएगा विद क्राइटेरिया रखा। दूसरा हमें यह रखा कि उसकी क्लीनलीनेस किस प्रकार की है। अगर किसी बच्चे की क्लीनलीनेस है तो उसके आधार पर उनके पेरेंट्स को सम्मानित किया जाएगा। तीसरे नंबर पे हमने बात की कि कोई भी मीटिंग्स हम करते हैं पीटीए की करते हैं मदर टीचर काउंसिल्स की करते हैं तो उसमें जितने माता पिता ज्यादा बार पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम प्रोत्साहित करेंगे। इस तरह से हमने इसमें 6 क्राइटेरिया दिए हैं जो चार्ट के ऊपर हमने मेंशन भी कर दिए हैं। दूसरा पार्ट हमने लिया है कि कम्युनिटी के लोग जो हैं जिसमें पंच सरपंचेस वगैरह हो सकते हैं या ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग हो सकते हैं जिनके बच्चे वहां पर नहीं पढ़ रहे वो लोग भी कम्युनिटी सपोर्ट के लिए हमारे सामने आते हैं और मुखिया को बहुत सारा सहयोग दिया जाता है तो मुखिया के सहयोग से उनकी रिकमेंडेशन दी जाएगी और साल में एक बार एक फंक्शन किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और एक बार किया जाएगा स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे उन पेरेंट्स को उन फंक्शनरीज को बुला के चीफ मिनिस्टर के साथ या डिप्टी कमिश्नर महोदय के साथ
मीटिंग करवाई जाएगी जिससे पेरेंट्स भी एनकरेज होंगे और वो अपने बच्चे की एजुकेशन के प्रति भी जागरूकता लाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही सर ने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में जैसे मेले की बात की है, तो ये मेले जैसे ही कंसेप्ट होगा कि वहाँ पे पूरा सम्मेलन है जिसमें पंच सरपंच आ रहे हैं, माता पिता आ रहे हैं, जिन माता पिताओं ने इन क्राइटेरियाज के ऊपर अच्छा काम। इसी तरह से अगर हमारी ये प्रैक्टिसेस अच्छी चलती हैं तो जिला एडमिनिस्ट्रेशन जिस प्रकार से प्राइजेस देते हैं तो वो भी इस प्रकार की प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे और हमें लगता है कि इससे शिक्षा का वातावरण बनेगा और उस वातावरण से हम लोग अपने FLN के मिशन को और शिक्षा के लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद। कोई भी और थैंक यू सर। एंड जो भी अभी अपने विचार दिए हैं इनमें जो हमारे एनजीओ चित्रों का प्रयोग हो उसको पूरा और आकर्षक रूप से बनाया जाए कि एक पेज पर एक शामिल हो, तो ये कुछ सुझाव हमने दिए और इसके लिए कुछ लिए सुझाव के सारे इन सभी को जो शिक्षक संदर्शिका है उसमें मुख्य रूप से स्थान दिया जाए और एक ये भी था कि जब प्रशिक्षण होगा इन इन सब का उस प्रशिक्षण में शिक्षण संदर्शिका का प्रयोग, क्योंकि चीज़ें सारी लिखी गई हैं, जब तक उसका प्रयोग अध्यापक नहीं करेगा तब तक ये सारी चीज़ें ये सारी क्रियाएँ व्यर्थ हैं, तो हम चाहेंगे कि शिक्षण संदर्शिका का प्रयोग उसकी जो गतिविधियां हैं वो प्रशिक्षण के दौरान ही MT के द्वारा वो सुनिश्चित की जाए करवाई जाए ताकि वो अध्यापक है उनसे जुड़ा रहे, जब भी अपना शिक्षण कार्य करवाए तो शिक्षण संदर्शिका या सहायक सामग्री का प्रयोग कैसे करना है, किस तरह से करना है, किस पाठ इकाई को जोड़ करके करना है, वो चीज़ें वो लेकर के चले। इतना कुछ हमने इसे दिया। धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगता है जब कितने अच्छे अच्छे विचार हमारे बीच में आ रहे हैं और इन सबको सुझो रहे हैं। महेंद्र जी आपके बीच में है और ये सारी बातें आपकी इकट्ठी की जा रही हैं और कहीं ना कहीं ये हाईलाइट भी की जाएगी, तो मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट ग्रुप अपनी बात रखें। नेक्स्ट ग्रुप इंग्लिश। आप सभी को नमस्कार। मैं देवेंद्र भैया, इंग्लिश ग्रुप हमारा जो चल रहा था उसमें जो विद्वानों की राय बनी और हमारी जो ट्रेनिंग हुई संपर्क फाउंडेशन के माध्यम से, वशिष्ठ जी कह रहे थे कि हिंदी में बहुत सारी चीज़ों हमारा जो इसमें धारणा निकली कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ द सिलेबस, जो हमने सिलेबस देखा अभी तक फर्स्ट टू फिफ्थ और फाउंडेशन लिटरेचर लिटरेसी का जो मिशन है, यदि हमें उसको कारगर रूप से सिद्ध करना है और जैसे सर कह रहे थे कि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में कोई भी दादा चाचा था वो आगे पूछे यहाँ पढ़ी द स्पेलिंग ऑफ डिक्शनरी, ये वाली चीज़ जब तक ये वाली चीज़ें नहीं आई, इसमें मेरा अपना हमारे ग्रुप का जो सजेशन है वह कि ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट फर्स्ट ग्रेड में ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट किसी भी माध्यम से हम उस तरह, इसमें हम दो किताबें दे सकते हैं, एक तो टीचर गाइड कह रहे थे शिक्षक संदर्शिका और एक स्टूडेंट की किताब। स्टूडेंट की किताब में फर्स्ट मान लो कि मैं 20 चैप्टर की रिकमेंडेशन करता हूँ, उसमें से 5 या 7 चैप्टर को फोटोग्राफिक होने चाहिए, फोटोग्राफ देख के बच्चा इमेजिनेशन करे और टीचर गाइड में जो है वो उसकी डिटेल में क्या क्या इसमें आहार आए हैं, क्या क्या इसमें लर्निंग आउटकम्स आने चाहिए उसके हिसाब से, और उसमें 3 या 4 हमें और विकल्प छोड़ देने चाहिए कि बच्चा उसमें ऐड कर सके। जैसे एक बच्चा था उसको 18 एप्पल्स यदि हम देंगे टू कलर दीज एप्पल विद पिंक कलर और रेड कलर और वेदर द कलर यू मे वॉन्ट टू, ठीक है, ड्रॉइंग, तो बच्चा उसमें कहेगा कि मैंने ब्लैक कलर कर दिया, तो हमने कहा कि ब्लैक कलर क्यों किया, ऐसा सब दिस इज रोटन एप्पल सड़ा हुआ सेब है, दिस इज रोटन एप्पल, तो बच्चे की जो अपनी क्रिएटिविटी है उसमें आएगी और उसे बताएगी सड़ना रोटन है। और जैसे मैंने फर्स्ट डे मिस्टर प्रमोद शर्मा जी का जो सुझाव था उसमें दिया था कि हम इंग्लिश की किताब में वो सारी चीजें जैसे छोटा भीम है या इस तरह के कैरेक्टर्स तो भी हम बुक्स में लेके आए, ठीक है, बच्चे देखते हैं इस तरह की लैंग्वेज भी हम उसमें जोड़े, छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंसेस विच हैव दे लिसन इन टू देयर टीवी प्रोग्राम्स उनको भी हम इंक्लूड करें। और मेरा ये सुझाव है कि व्याकरण
क्योंकि मैंने अभी जो लर्निंग आउटकम्स और उसमें देखे उसमें ग्रामर के ऊपर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट टू थ्री ग्रामर का बहुत ही कम उपयोग किया जाए, क्योंकि वकैब बिल्डिंग के हमारे एक सर थे उन्होंने वकैब बिल्डिंग के ऊपर बहुत स्ट्रेस दिया, क्योंकि किसी भवन निर्माण के लिए ईंट पत्थर और सीमेंट बजरी और इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, और वकैब शब्दावली यदि नहीं है तो शब्दावली नहीं है तो समस्या आएगी। पहले हम ये निश्चित करेंगे फर्स्ट ग्रेड में हमें 100 शब्द सिखाने हैं उसके परिवेश से उसके एनवायरमेंट से, वही हम किताब में डालें और वही संपर्क फाउंडेशन के माध्यम से ट्रेनिंग भी जाएं। और मेरा तो ये भी निवेदन है अपने उच्च स्तरीय अधिकारी से कि जब हम FLM की जो ट्रेनिंग दे ग्राउंड लेवल पर मेरे प्रत्येक अध्यापक के पास वो रीडिंग मटेरियल होना चाहिए और वो किताबें जो है बच्चों के बस्तों में भी होने चाहिए, क्योंकि एक जो सबमिटिव अप्रोच आएगी एक कंसोलिडेटेड अप्रोच जब काम करेगी। तो जैसे अभी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में भी सर कह रहे थे कि जैसे सर अभी मेरा एक सुझाव आपके लिए है कि जैसे अभी कोरोना की एक ट्विन बजती है फोन करने से पहले, यदि हम इसको FLM को नेशनल मिशन बनाना चाहते हैं कि लोगों को ही नहीं पता मेरा बच्चा मैथ में कमजोर है, उसे आठवीं में बात करनी पता, उसे ऑबिडेंटली की स्पेलिंग नहीं पता, he is quite unable to write an application, if we give a write an application to the principal of your school for the leave of your for the marriage of your sister, to bachcha nahi bhi janta hai for a nursery work, to is tarah se usko todna aur previous ke sath jodna wo sari cheeze sikhane ke liye hame vocab par aur uski jo oral jo skills hai unko develop karna। abhi ek prashn aur aaya tha ki questioning skill, hamare जब मैं बीएड कर रहा था तो उसमें स्किल्स थे, हमारे जितने भी पेपर होते हैं आज तक उठते आए हैं वो सिर्फ बच्चे के आंसरिंग स्किल को टेस्ट करते, क्वेश्चनिंग स्किल को नहीं हम टेस्ट कर पा रहे। तो ओरल रूप से हम बच्चे को भाई ये उत्तर है इसका क्वेश्चन बना, ठीक है, उसका जो माइंड का एक जो स्लीपिंग पार्ट है कि वो क्वेश्चन इमेजिनेशन की तरफ नहीं जा रहा, इमेजिनेशन से क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जा रहा, तो हम उसको कैसे इंक्लूड कर पाए, मेरा ये सजेशन है। थैंक यू वेरी मच और आप सभी के सुझाव आमंत्रित है ताकि इसमें और इम्प्रूवमेंट किया जा सके। थैंक यू सर। नेक्स्ट ग्रुप तो पड़ोस में होता कोई दिक्कत नहीं होता बच्चे को, और यदि वो सुबह स्कूल लगने से पहले ही पढ़ाना चाहे तो मेरे हिसाब से जो आप ये कह रहे हो कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए, तो शिक्षा मित्र थे जो टीचरों ने किए थे वो और ड्यूटी लगाई थी जिसमें माता पिता या कोई रिश्तेदार है या बड़ा भाई बहन है या कोई एक अलग से कोई अच्छा पढ़ा लिखा उसको ज़्यादा वो दिया जाए तवज्जो, क्योंकि उसी कम्युनिटी के हैं वो, भाषा भी वही यूज करते हैं जो उनकी परिवेश की होती है, उदाहरण भी वही यूज करते हैं वो, और आपस में कोई दिक्कत भी नहीं होती उनको। सर मुझे नहीं पता कि शिक्षा में ठीक है सर, ये डिस्कशन चलती रहेगी, अभी इस समय का भी थोड़ा हमने ध्यान रखना है और जो नेक्स्ट साथी आए वो थोड़ा सा गादर में सादर बदले, जैसे हिंदी वाले आएंगे और ये मुहावरा भी हिंदी में फिट बैठता है गादर में सादर बनना, तो थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखें। हिंदी समूह में हमने जिसमें गणेश जी शामिल हैं, मैडम रीना, अशोक जी, मैडम दलवंती और मैं किरण अहम शामिल हैं, हमने लेसन प्लानिंग पर चर्चा की थी जिसमें लेसन प्लान के हमारे चार मुख्य भाग रहेंगे, फॉर्मेट, कंटेंट, कलर कोडिंग और आइकन्स, जिसमें मैं सबसे पहले फॉर्मेट पर थोड़ी सी संक्षेप में बात करूंगी कि फॉर्मेट के चार भाग रखे जाएंगे, उद्देश्य, समय, विस्तृत निर्देश और समीक्षा। उद्देश्य में जिस एक कॉम्पिटेंसी को लेकर के बात की जाएगी उसको हमने उद्देश्य नाम दिया है कि जो अब तक जिस तरह का लेसन प्लान का फॉर्मेट का थोड़ा सा चेंज है, बातें वही है सारी की सारी, जिसमें उद्देश्य में अध्यापक के साथ साथ भाषा और सामग्री की समझ जो है प्रमुख रहेगी। समय कि कितने समय में उस एक कॉम्पिटेंसी को या पार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो कितने समय में उसको पूरा किया जाएगा, और उसी में ही सामग्री और प्लानिंग जो अध्यापक के लिए कि किस तरीके से उसकी प्लानिंग की जाएगी। और विस्तृत निर्देश में अध्यापक के लिए पूरा निर्देश होंगे कि किस तरह की जिसको हम पीके टेस्ट
पूछे जाएंगे, जिसमें हम खुले और बंद छोड़ के प्रश्न काफी संख्या में रखने का विचार है कि ताकि बच्चों को अच्छे से समझ उनकी पता चले और उनकी समझ जो है वो और अधिक विकसित हो। और फिर अंत में अध्यापक के लिए एक समीक्षा रहेगी ये कि जब उसने वो गतिविधि पूर्ण करा दी है उस दिन के लिए, तो वो ये देख पाए कि कितने बच्चे उस गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल हुए और कितने बच्चे छूट गए हैं, तो ये एक अध्यापक इस बात की समीक्षा कर पाए। दूसरा भाग था हमारा कंटेंट का। कंटेंट में हम मुख्य रूप से दो चीजें रहेंगी कि एक तो 23 गतिविधियां मुख्य रूप से चुनी जाएंगी जिनके लिए एग्जाम्पलरी लेसन प्लान्स डेवलप किए जाएंगे 23 गतिविधियों के लिए, और ये जो है दैनिक हिसाब से नहीं होंगे, सप्ताहवार ये लेसन प्लान्स होंगे। दूसरा एक पूरे साल की वार्षिक योजना होगी जिसमें शिक्षण विषय वस्तु को सप्ताहवार टेबल फॉर्म में, यानी एक जैसे होता है ना कि रिकैप होता है, एक तो हमने विस्तृत रूप में बता दिया, एक रिकैप होता है कि फटाफट उसको संक्षेप रूप में समझा दिया जाए, तो दो तरीके से इसको किया जाएगा। और उसके बाद है कलर कोडिंग, जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा फॉर्मेट है चार भागों में होगा, उद्देश्य समय विस्तृत निर्देश समीक्षा, तो अलग अलग कलर्स में कलर से इनको हाईलाइट किया जाएगा ताकि देखने में भी ये अच्छा लगे थोड़ा सा। और उसके बाद है आइकन्स, जो अलग अलग चीजें रहेंगी उनको आइकन्स के रूप में भी दिखाया जाएगा, जैसे खुले छोर के प्रश्न होंगे उनको किस आइकन से दिखाया जाएगा, बंद छोर के प्रश्नों को किस आइकन से दिखाया जाएगा, या जब टीचर के लिए नीचे समीक्षा का भाग आ रहा है तो उसके लिए किस आइकन का प्रयोग किया जाएगा। और इन आइकन्स को समझने के लिए, क्योंकि ये सारा जो है वो टीजी का पार्ट रहेगा, टीचर गाइड, तो उसमें पहले ही बता दिया जाएगा कि कौन सा आइकन किस चीज के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। गणेश सर से अगर यदि आप कुछ और ये सभी जो पाठ योजना होगी उसमें मौखिक भाषा, चित्र, कहानी, परिच्छेद, इनके लिए एक एक जो है उसको उदाहरण स्वरूप दिया जाएगा। बाकी वहाँ स्थानीय स्तर पर अध्यापक वहाँ की कैसा वातावरण है, बच्चों की संख्या कितनी है, उसके आधार पर पाठ योजना को तैयार करें। इसमें हम केवल उदाहरण स्वरूप जो विधाएं हैं उनको लेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सभी ने हमें सुना, उसके लिए आप सबका थैंक यू। बहुत अच्छा आपने अपने सारे सारे बातें ठीक में करी हैं, तो मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट जो टाइम टेबल किसके पास है, टीएलएम सर। हां करिए। नमस्कार। हिंदी शिक्षण में हमारे समूह को टीएलएम टीएलई और टीचर गाइड इसका विषय आवंटित किया गया था, और उस पर हमारे समूह ने चर्चा की, और चर्चा उपरांत जो भी तैयार सामग्री थी, जो भी एफएलएम के द्वारा जो बनाई गई है उसको हमने देखा और एक समझ तैयार की कि वो सामग्री पर्याप्त है या उसमें कहीं कमी है या उसमें क्या कुछ जोड़ा जा सकता है। तो उस सबको देखने उपरांत हमने जो कुछ नौ पुस्तकें की जो सामग्री थी जो पहले से थी, जिसमें बिग बुक है, कविता पोस्टर है, चित्र कार्ड है, वर्ड कार्ड, ग्रीट कार्ड, शब्द कार्ड और कहानी चित्र कार्ड, और एक पुस्तक है शिक्षकों के लिए नानी कही कहानी, तो इन सब का हमने अवलोकन किया और जांचा देखा कि भाई किस प्रकार से ये बच्चों की समझ बढ़ाने में सहायक है। तो उसमें से कुछ हमने सुझाव दिए गए हैं, जिसमें जो मात्रा कार्ड होता है उसमें अलग से एक विंडो कार्ड लगाया जाए ताकि बच्चों को मात्राओं का उससे संबंध सही रूप से समझ बनाने में मदद मिले। एक हमने इसमें चर्चा की कि भी मात्राओं को जब हम सिखा रहे हैं, पात्रों की जब बात आ रही है, शब्दावली का जब हम प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें भिक्षु में जो बहुत सारे पात्र हैं उस पुस्तक में, तो उससे मैं उनके मुखौटे तैयार करवाए, मुखौटों के माध्यम से जब वो चर्चा रहेगी, बातचीत रहेगी तो काफ़ी प्रभावपूर्ण रहेगा, तो वो इसमें सुझाव दिया है। और बिग बुक के अतिरिक्त जो पाठ्यपुस्तक है, पाठ्यपुस्तक में जो भी कविताएं हैं, पाठ है, सामग्री है, उससे संबंधित जो मुखौटे बनवाई जा सकते हैं। हमारे कुछ और सुझाव थे जिनमें एक तो मुखौटे कैसे बनाए जाएं, कैसे किस प्रकार से काम लें, ये सब शिक्षण संदर्शिका में हम
अध्यापक के लिए रखे ताकि वो उनको पढ़ करके बना करके। दूसरा स्थानीय स्तर पे बहुत सारे खिलौने हैं और निष्ठा में भी एक प्रशिक्षण आया था खिलौनों का प्रयोग उसमें कठपुतली और अन्य खिलौने जो होते हैं और प्रधानमंत्री ने भी सुने मन की बात कार्यक्रम में जो भी देश भर में तरह तरह के राज्यों के अपने अपने विशेष खिलौने उनका वर्णन किया था। तो शिक्षण में हम उन स्थानीय खिलौनों का हम प्रयोग कर सकते हैं, बच्चों से बनवा करके टीचर्स से खुद बना करके उनको मात्राओं का वर्ण का शब्द के साथ वाक्य के साथ जहाँ उसको जिस आवश्यकता के रूप में ज़रूरत लगती है उनका वहाँ वो प्रयोग से। इसमें आगे हमने सुझाव दिया कि जो दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं हैं वो क्रियात्मक के रूप में बच्चे उनसे जुड़े रहते हैं अपने आसपास देखते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे टॉफी लेते हैं, बिस्किट का पैकेट देखते हैं, घर में कोई डिब्बा आता है उन पर भी बहुत सारे रंग हैं, शब्द हैं, जानकारी को जुड़ाव रहता है, तो उन पर भी चर्चा हो और उनसे कुछ गतिविधियाँ करवाई जा सकती है, जैसे उनसे इकट्ठे करवाई उनकी संख्या गिनी उन पर मात्रा शब्द वाक्य वो चीज़ें। तो इसके अतिरिक्त जैसे अखबार है, कार्टून है, रैपर इकट्ठे करने हैं, वर्ग पेली है, अंतर बताओ है, वो सजीव और गतिविधियां सक्रिय रूप से होकर उसमें शामिल की जाए। एक सुझाव और जो हमने इसमें बताया था कि सहायक शिक्षण जब सामग्री का जब हम तैयार कर रहे हैं तो संकुल स्तर पर क्लस्टर लेवल या खंड स्तर पर हम महीने में एक बार चर्चा के रूप में किसी अध्यापकों की आपसी चर्चा हो कि इस पाठ इकाई पर क्या क्या शिक्षण सहायक सामग्री तैयार हो सकती है। और हमारे में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कि CCR टीम की ट्रेनिंग्स लेकर के आ चुके हैं, तो उनका भी सदुपयोग हो तो एक कार्यशाला आयोजित की जाए ताकि जिस किसी साथी को जिस किसी विद्यालय में जहाँ जरूरत लगे कि मुझे इसमें कठिनाई आ रही है तो वहाँ पर TLM बनाने की प्रशिक्षण भी हो जाए, ये सुझाव मैंने दिया है। कुछ ने सुझाव थे जिसमें वर्ण जो तैयार सामग्री थी उसके संदर्भ में थी, ये जो इनकी जो पुस्तकें 9 पुस्तकें जो थी उसमें वर्ण कार्ड जो था उसका रंग थोड़ा अलग था, हम चाहेंगे कि उसमें रंग का जो संयोजन है वो सही रूप से किया जाए। एक पुस्तक थी जो शिक्षकों के लिए थी नानी कही कहानी, उसमें काफ़ी कहानियाँ एक साथ प्रदेश का खेल है या वॉलीबॉल खेल है उनके मेले होते हैं, तो इस तरह से हम FLL मेलों का आयोजन हर साल हम वहाँ करवाएं। एक स्कूल के मतलब एक गांव के ग्राम पंचायत के 40 बच्चे हो 100 बच्चे हो एक टारगेट है हमारे पास, उनकी उनसे रीडिंग की प्रतियोगिता, उनसे न्यूमेरेसी की कोई प्रतियोगिता वहाँ करवाएं। और पंचायत में ये हो कि भाई 100 बच्चे थे 100 में से 70 पढ़ना लिखना सीखे हैं और वहाँ कोई ना कोई पारितोषिक जो है ना उनका डिसाइड किया जाए। एक साल में एक बार हो सकती है, दो बार हो सकती है। टीचर का इसमें रोल भी रहेगा, टीचर जो है ना उस चीज को जो है ना ऑर्गेनाइज करवाने में उसमें जो है ना उसका रोल वहाँ है। तो मेलों का आयोजन पंचायत स्तर पे हो, टूर्नामेंट टाइप हो, पंचायत पे हो, स्थानीय निकाय पे हो, स्कूल स्तर पे हो, ब्लॉक स्तर पे भी हो सकता है, राज्य स्तर पे भी हो सकता है, कोई ना कोई इनाम इससे जुड़ सकता है, तो ये चीजें हम जो है ना इसमें जोड़ सकते हैं। एक कक्षा और एक अध्यापक मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो, लेवल है मान लीजिए लैंग्वेज सिखानी है एक बच्चे को तो कॉम्पिटेंसी लेवल जो है ना Level 1 है, Level 2 है, Level 3 है, मुझे कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 से कोई लेना देना नहीं है, अगर भाषा उसको सीखनी है मेरा अपना मानना है कि उसके लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी जो है सेट होने चाहिए कि इस बच्चे का Level 1 पूरा हो गया, Level 2 ये सक्षम हो गया, Level 3 में कॉम्पिटेंसी आ गई है, जब तक उसकी वो कॉम्पिटेंसी पूरी होगी तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी उस टीचर की रहेगी जिस टीचर का। एक कक्षा और एक अध्यापक जो है ना इस कॉन्सेप्ट को लागू किया जाए, संचार माध्यमों को कैसे बेहतर से बेहतर उपयोग कर सकते हैं हम FLL के ऊपर कुछ भी कोई लोग की कोई जो है ना कोई हमारे राजनी हो या कोई स्टोरी हो वो ग्रुप्स में व्हाट्सएप ग्रुप्स में इवन आपके जो हरियाणा न्यूज है उस पर हम अपनी वो चला सकते हैं। तो जागरूकता लानी है बेसिकली, हमारी ये समस्या है और समस्या जब तक समाज नहीं समझेगा, जब तक पंचायत लेवल पे लोग नहीं समझेंगे कि मेरे गांव के 100 बच्चों में से 50 बच्चों में से इतने बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है तो वो समस्या को समझेगी नहीं। अब कोरोना आया, कोरोना को कोविड आया, कोविड को समझाना, प्रचार हुआ तब जाके उन्होंने समझा
समस्या को समझा तो तब जाके जो उसका देखा भी टीके लगवाने पड़ेंगे, दवाई खानी पड़ेगी, मास्क लगाना पड़ेगा। तो अभी तो हमारे लोगों को उनके बच्चों के पेरेंट्स को या वो समस्या मानते ही नहीं इस बात को, उनको पता ही नहीं कि ये समस्या पढ़ना लिखना नहीं आ रहा, ये समस्या नहीं है। तो समस्या तक उन तक पहुंचाना सोल्यूशन, मैंने बताया लोकगीत हो, नुक्कड़ नाटक हो, कार्टून चैनल्स हो, एफएलएल से संबंधित कुछ कहानियां बन सकती है जो बच्चों तक पहुंचाई जा सकती है। बच्चे अपने डिजिटल बोर्ड्स हैं, टीवी लगे हुए हैं स्कूल्स के अंदर, वो इस तरह की जो ना कहानियां उनको दी जा सकती है। हाँ, एक और इसमें है कि कोई भी हम ब्रांडिंग कर सकते हैं एफएलएल के लिए, स्टेट का कोई बढ़िया एम्बेसडर लेके जो ना, जैसे मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स की हस्ती है, मतलब फॉर एग्जाम्पल वीरेंद्र सहवाग है या फोगाट सिस्टर्स हैं या इवन सपना चौधरी है, हमने सपना चौधरी का जिक्र किया, तो सपना चौधरी कोई भी ऐसा गीत बना के जो एफएलएम के ऊपर हो, पढ़ाई लिखाई के ऊपर हो और प्रदेश में पॉपुलर करा दिया जाए। सपना चौधरी बोला आपको पता ही है, बाबू भी है, बेटा भी है, माँ भी है, सब है, तो बढ़िया वो लेके और उसको जो है ना पॉपुलर हो जाए अगर ऐसा गीत, डेफिनेटली जो है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन गाँव के लेवल पर पहुँच जाए। कोई भी ब्रांड हम इससे बना सकते हैं। स्थानीय रूट्स पे चलने वाली बसेस, मुख्यमंत्री जी का फोटो लगता है, मुख्यमंत्री जी ने हमारी इस योजना को जो ना वो भी किया है, उसका शुरुआत की है, उसी कुछ स्थानीय रूट पे चलनी, यानी कि जो गांव में ज़्यादा चलते हैं, गांव में कुछ बसें ऐसी होती हैं कि शाम को जाके गांव में ठहर जाती हैं, उसमें वहाँ से आती है, बच्चे पढ़ेंगे, पेरेंट्स पढ़ेंगे, भाई समस्या ये समस्या है, ये हमारा टारगेट है, हमने ये अचीव करना है। तो गांव के लोग ही मुझे लगता है कि उससे अपने आप जुड़ेंगे। बिलोंगिंगनेस आनी बहुत ज़रूरी है, उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है, ये तुम्हारी समस्या है, और ये अगर हम इनको समझा पाए कि यहाँ ये एक समस्या है, हमारे बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं आ रहा। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, मैं जब जिस प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ हिंदी मीडियम में, तो मेरे पांचवी तक के स्कूल में मात्र 5-7-10 बच्चे फेल होते थे हर साल, 5-7-10, और परीक्षा होती थी सभी की, हम सब की परीक्षा हुई है तख्ती बस्ते वाले स्कूल में। आज इनकी परीक्षा लेके बच्चों को देखो 70% 80% बच्चा फेल हो जाएगा अगर परीक्षा ले ली तो। लेकिन उस दौर की मैं बात बता रहा था, मेरे गांव में जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, इररेस्पेक्टिव एनी कास्ट रिलीजन व्हाटएवर, पढ़े लिखे लोग या बेबुजुर्ग, वो कहीं भी रास्ते में पकड़ के पूछते थे, भाई 11 का पाड़ा पढ़ा सुनाइए, 19 का पाड़ा सुना दे भाई, रास्ता रोक लिया तब जाने दूंगा, ये पढ़ा दे, अगर ये सुनाएगा तो आगे जाने दूंगा नहीं। ये चीज हमारे आज की इस सीन से मिसिंग है, ठीक है ना। मेरे गांव में एक पंडित परिवार है, मैंने बताया अभी साथियों को, एक पंडित परिवार अभी भी है, वो मेरे दादाजी जो है ना, चूंकि वो उन परिवार का एक बच्चा बहुत ही अच्छा था पढ़ने में, वो आते जाते उनकी उसमें बैठक में उसका नाम लेके बुलाना, पूछना तेरी पढ़ाई ठीक चल रही है, उससे और पूछ लिया, या मैं देखा है। और वो बाद में हिसार डीएन कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स के हेड, उसके बाद में प्रिंसिपल, फतेहाबाद में कॉलेज के प्रिंसिपल, और वो किसी यूनिवर्सिटी के वीसी हैं। तो दैट इज द कम्युनिटी अवेयरनेस, यानी कि जब तक पेरेंट्स के अंदर, गांव वालों के अंदर तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी कि ये बच्चे हमारे ही हैं, कम से कम इनको पढ़ना लिखना तो सिखाएं, तो करेंगे कैसे। हर गांव में अनएम्प्लॉयड यूथ बैठा, सरपंच है, उन 2-3-4 इंटरेस्टेड बच्चों को लेके जो अनएम्प्लॉयड बैठा है, उनको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं इसमें, कि आइडेंटिफाई करें कि कितने बच्चे हमारे गांव के 1-3 के विद्यार्थी हैं, क्या उनको पढ़ना लिखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उनमें से शॉर्ट आउट करें कि 20% को आ रहा है, 1% को नहीं आ रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। और फिर जो है ना, वो टीचर के साथ में एसोसिएशन हो कि इन बच्चों पर फोकस किया जाए। और वही चीज़ है कि जब ये टाइम लगेगा,
लगते लगते जब ये मेले और ये जो मैं बता रहा हूँ कि प्रतियोगिता जब आयोजित होंगी तो उन्हीं में उनको प्रोत्साहन मिलता जाएगा अगर कुछ ना कुछ हमने उसको रखा है तो कम्युनिटी भी मोबिलाइज होगी अवेयरनेस आएगी और धीरे धीरे मुझे लगता है सुधार भी आ जाएगा। पोस्टर्स हैं स्कूल्स के ऊपर एलोस लगा सकते हैं, बाला ग्रांट का यूज बहुत बढ़िया कर सकते हैं। अभी बाला ग्रांट का जो है बात हो रही थी मोहित जी बता रहे कि हम कैसे उसका यूज करते हैं। मेरे स्कूल में मैं पिछला स्कूल मेरा कमजोर था यहाँ तो 3 लाख की ग्रांट आई थी बाला की तो हमने एक रेल बनवा दी थी बस और उस रेल के डब्बों पर प्रधानमंत्री किसी प्रधानमंत्री के नाम लिखवा दिए किसी दूसरे के बाद उनको कोई नहीं देखता। तो बाला की ग्रांट वाकई एक बड़ा इम्पोर्टेंट टूल हो सकता है उसके लिए। तो ये कुछ हाँ एक अपना मित्र जो मैंने कहा पंचायत में हर पंचायत के अंदर जो है वो अनएम्प्लॉयड बैठा है या फिर पढ़े लिखे रिटायरी बंदे बैठे हैं एटलीस्ट पैसा का और 2+2 ये तो सब जानते हैं। बहुत बहुत लोग ऐसे मिलेंगे कि जो इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हो सकते हैं उनको कुछ सरकार जो है कुछ देना चाहती है नहीं देना चाहती है खरीदाना चाहिए। अभी हमारे पास एक चिट्ठी आई है मोदी वाकिफ है कि पंचायत राज के पंचायत डिपार्टमेंट के पास में बहुत सारा फंड पड़ा है एक्स्ट्रा फंड और वो स्कूल्स की बेहतरी के लिए हो सकता है इनके पास भी आई है मेरे पास भी है चिट्ठी। तो कुछ ना कुछ जो है ना ऐसा कुछ कार्यदर्शी अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कुछ दिया जा सकता है इनसे दिया जा सकता है भाई आप आइडेंटिफाई करो आप एफएलएन मित्र हैं आप आइडेंटिफाई करो कि इतने बच्चे आपके गांव के जो है ना वो लिख नहीं सकते पढ़ नहीं सकते और आपका टारगेट है कि विद इन 1 ईयर विद इन 2 ईयर जो है ना इन सब बच्चों को जो है ना इस लेवल से इस लेवल पे लेके जाना। तो ये एक एफएलएन मित्र बनाए जा सकते हैं ये मतलब मोटे तौर पर तो ये हमारा सुझाव है। बाकी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं तो सुझाव अमल देता है। थैंक यू सर। इसमें जैसे अभी बीच में कोरोना के दौरान हमने शिक्षा मित्र बनाए थे और वो जो शिक्षा मित्र थे उनकी आस पड़ोस के जैसे बच्चे लड़कियां भी होती है लड़के भी छोटे होते हैं बच्चे तीसरी क्लास तक के तो उनको बड़ा सरकार देगा आस पड़ोस में वो जा सके और समय की भी नहीं दिक्कत होगी क्योंकि और लगभग 2-2.5 दिन के शोध के बाद में कुछ चीज़ें जो हम निकाल पाए हैं अपनी तरफ से वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात यह है कि हमारा जो प्रोग्राम है फिल्म का और जो समस्या है मतलब जो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आ रही है हमारे बच्चे जो है 1 से 3 तक के पढ़ने में और कुछ न्यूमेरेसी रिलेटेड जो यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन वो नहीं कर पा रहे हैं। पहला बिंदु तो यही है कि हम इसको समस्या को अपनी कम्युनिटी तक ले कैसे जाएं यानी कि उनको समझा पाए कि ये एक समस्या है हमारे लिए कि हमारे बच्चे इस क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं तीसरी क्लास तक वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं लिख भी नहीं पा रहे हैं समझ नहीं पा रहे हैं और जोड़ घटा या छोटी छोटी चीजें जो है ना ये ऐसे नहीं कर पा रहे हैं। अब कम्युनिटी क्या है कम्युनिटी में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो पेरेंट्स है। जो भी योजना जो भी प्रोग्राम हम यहाँ से स्टेट लेवल से या नेशनल लेवल से लेके जाते हैं उसका जो आर्थिक बिंदु है वो हमारा जो है वो बच्चा है और बच्चे के साथ में जुड़ी हुई जो एनवायरमेंट है उसमें सबसे पहले पेरेंट्स आते हैं या आस पास के जो लोग उसके साथ रहते हैं वो आते हैं। हम सभी जो है ना अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं या पढ़ा चुके हैं तो कुछ के बच्चे छोटे हैं कुछ के बच्चे बहुत बड़े भी हो गए हैं। अगर आप याद करें कि उनकी छोटी 2-3 क्लासेस में या प्राइमरी तक जो है ना आपने उनको किस तरह से हैंडल किया यानी कि आपका क्या योगदान है वहां तक। मेरे बच्चे मेरी बिटिया एमबीबीएस फाइनल कर चुकी है बेटे ने बीटेक कर लिया है तो मैं अगर सोचता हूँ कि प्राइमरी सेक्शन में जब वो थे तो मैंने उनके लिए क्या किया यानी एज ए कम्युनिटी क्या योगदान मेरा रहा। तो आप ये बात तो निश्चित है कि चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़ा लो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा लो या किसी बढ़िया स्कूल में पढ़ा लो महंगे स्कूल में पढ़ा लो आप
जब तक उस बच्चे के अंदर नहीं झांकेगी कि बच्चा या तो क्वेश्चन मेकिंग खुद हो रहा है या आप उससे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप नहीं पता, आपको नहीं पता चलेगा कि वो क्या पढ़ पा रहा है, क्या सीख पा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं एक टेस्टिंग टाइप जो होती है, वो टेस्टिंग टाइप उस सवालों में आ जाती है। बच्चा या तो खुद सवाल करना शुरू करता है या आप उससे कई बार छोटे मोटे सवाल पूछते हैं तो वो जवाब, तब आपकी पहचान होती है कि भाई ये हाँ ठीक ठाक कर रहा है, पढ़ना लिखना सीख रहा है, इसको लिखना भी आता है, इसको अंडरस्टैंडिंग भी है, जो लिख रहा है वो पढ़ाई कर रहा है ठीक। यही चीज हमारे इस समय जो है ना, हमारे समाज में ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो मिसिंग है। हमारे पास जो जेंडरी आ रही है 1-3 के या 1-5 के बच्चों की, उनके पेरेंट्स में ये बिल्कुल भी उनके पास समय नहीं है इस बात को देखने के लिए कि वो समझते हैं कि स्कूल से 2 बजे 1:30 बजे घर से आया और बस हमारा काम पूरा हुआ, उसको लिखना आ रहा है, पढ़ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो नहीं, उसको नहीं समझ पा रहा है। तो ये एक समस्या है, समस्या को समाज तक लेके जाना हमारा कर्तव्य है, तभी जाके इसका निवारण संभव है। हाँ ठीक है, टीचर हमारा एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन बच्चे को मैं केंद्र में नहीं रख रहा, मैं टीचर और कम्युनिटी को केंद्र में रख रहा हूँ। यानी कि कम्युनिटी जो है उसमें अवेयरनेस की बेहद जरूरत है। मान लीजिए कि एक गांव के 30 बच्चे 40 बच्चे 50 बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, अब वो उनको कौन देखेगा, उनके पेरेंट्स नहीं देख रहे हैं। वो बेसिकली उनका सबसे बड़ा वो इकोनॉमिक फैक्टर है कि जो अगर मान लीजिए वो देखना शुरू कर दें तो वो मजदूरी है या डेली बेसिस पे जो काम कर रहे हैं या फैक्ट्री में जा रहे हैं, वो उनका रह जाता, पीछे रह जाता, वो एक बड़ी समस्या है। उन तक ये समस्या पहुंचाना पहुंचाए तो कैसे पहुंचाए, तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को वहां तक पहुंचाना। तो हमारा जो हमारे ग्रुप की जो राय है वो ये बनी है कि पंचायत का इसमें रोल हम जो है ना डिसाइड कर रहे हैं। एक मान लीजिए कि एक गांव है, गांव की पंचायत है, तो पंचायत के उस पंचायत के कितने बच्चे जो है ना प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब वो पंचायत का रोल ये होगा कि उनको एक तो जागरूक किया जाए, देखो हमारे समाज की समस्या आ रही है, हमारे लिटरेसी रेट जो है ना इतना है, हम एफएनएम में हमने जो सर्वे कराया है, हमारे कितने बच्चे 40% 50% बच्चे जो है ना लिख भी नहीं पा रहे हैं, पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, ये काम भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो समस्या को समझेंगे। एक तो पंचायत में बिलोंगिंगनेस आएगी कि ये मेरे गाँव के बच्चे हैं, इनकी जिम्मेदारी हमारी है, तो वो पंचायत को इन्वॉल्व करना मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा वहां फायदेमंद है। और इससे रिगार्डिंग जो है ना, हम क्या कर सकते हैं, मतलब बात मैं यहां तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि वो पेरेंट्स जो जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि आपको ड्राइविंग सीखनी है, मैंने कल भी अपने ग्रुप में एग्जाम्पल दिया था, आपको ड्राइविंग सीखनी है, आपके पास कार नहीं है और आपने क्या किया, एक ड्राइविंग स्कूल में आपने कार सीखनी शुरू कर दी, 1.5 घंटा 2 घंटा उसने आपको प्रैक्टिस कराई, आप आके घर पर आके बैठे, अगले दिन फिर 2 घंटे 1.5 घंटा उस पर प्रैक्टिस की, फिर आप घर आके बैठ गए। एक तो ये कार सीखने वाला है, दूसरा ये कार सीखने वाला है कि उसके घर में, खुद के घर में भी कार है, वो एक बोर्ड कार है, स्नैक एंड लैडर, जमीन के ऊपर बोर्ड गेम, टाइल्स, ये चीजें तो बाला है, ये तो ठीक है, उन्होंने बना दिया, बड़ी अच्छी बात है, और ये तो दीवार भी बना सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, माना कर दिया है। नहीं, आप रखना तो वो जो पीडीएफ की आपने दी को बना, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको एक पीडीएफ देता हूँ। देखो बाला का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि बच्चा उसका उपयोग करते हुए सीखे, आप समझा, मैं दोबारा समझा, आपने मनी है, जैसे मनी का कॉन्सेप्ट है, नकली सिक्के, नकली नोट, लकड़ी के नोट बनाते हैं, मान लो जैसे तख्तियां, बड़ी बड़ी तख्तियां, एक तख्ती के ऊपर 100 का नोट छपा हुआ है, दैट इज बाला, उन्होंने चिपका दी और उसमें उंगली फेर रहा, बच्चा खुदा हुआ है उसके अंदर, हाथ कर रहा है, सेंसरी है, टेक्टाइल है, ठीक है जी। जैसे हम टाइलों की बात करते हैं, क्यों ना टाइलों के ऊपर ही 2 बनाओ, 2 जितने भी जोड़ घटाओ गुणा भाग और बराबर, 5 ही नए, इससे ज्यादा बड़े चिन्ह नहीं है, पहली दूसरी तीसरी में सिंबल कितने हैं जी,
उसके बाद स्क्वायर बनाए हैं, आयत बनाया है, उसके बाद इस तरह से करके बनाई है।
अगर इधर हम देखें तो यहाँ पे ग्राफ भी वही बनाया गया है ताकि बच्चे उसको समझ सके। सबसे मेन तो इसमें ये है कि बच्चा जब इसमें जाएगा इससे बच्चा बहुत कुछ सीखेगा। दूसरी बात ये है कि एक तरह हम बात करते हैं ब्यूटिफिकेशन ऑफ स्कूल्स की, तो ये बड़ा अट्रैक्टिव ही लगता है देखने में कि स्कूल है और बिल्कुल एक स्कूल की लुक आती है यहाँ पे। जैसे हम बात करते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज किए जाते हैं। मेनली इसमें यह है कि कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है, उसके साथ साथ एक प्रोजेक्ट में बात करें तो 20-30 घंटे फालतू लगनी है, उसपे क्लस्टर होना है और उसके बाद उसमें रन होना है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, अलग अलग स्टेट से इसको लिया गया है। तो इसी तरह से साइंस पार्क भी बन सकता है। इस तरह से एग्जांपल ऐसे पाइथागोरस थ्योरम है, उसमें सिंपल सा उसका फॉर्मूला होता है x² = b² + c², लेकिन उसकी अगर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखाया जा सकता है। जैसे कि हमारी जो एक साइंस वेयर के रूप में जाती है वो दिखाते भी है, तो ये प्रैक्टिकली ग्राउंड के अंदर बन सकते हैं। मैथ पार्क की जब बात करते हैं, साइंस पार्क की बात करते हैं, और इसमें कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है। तो अगर स्कूल हेड से एक इनिशिएटिव लेके हमारे जैसे हम मेंटरिंग करते हैं, मैं बीआरपी हूँ, तो हम लोग स्कूल में जाएं और उनको थोड़ा सा मोटिवेट करें कि इस तरह से काम किया जा सकता है, तो काम हो सकता है। धन्यवाद। अच्छा, एफएलएन में कहां उपयोगी है? FLN में सर ऐसा है कि अगर हम FLN में बात करें तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पे प्री स्कूल टू बात करें तीसरी कक्षा जी, तो वहां पे अगर हम बात करें तो इस प्रकार का जो मैथ का प्रोजेक्ट है इसकी जो आकृतियां हैं वो तीसरी क्लास तक कवर हो जाती है, तीसरी क्लास में आ जाता है। वर्क हो गया, टू डायमेंशनल फिगर्स और थ्री डायमेंशनल फिगर्स, यहाँ पे बच्चा देख के उनको समझ पाएगा कि त्रिभुज किस प्रकार से है। उसमें जैसे हम कॉर्नर को गिनने की बात करते हैं तो प्रैक्टिकली वो गिन रहा है कि इसके तीन कॉर्नर है, ये तीन साइड है, उसको तो तीन ही आता नहीं, उसके बाद तो गिनती का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ठीक है, आकृतियों के लिए बड़ी क्लासेस के लिए ठीक है, लेकिन अभी तो उसके पास शेप का, साइज का, गिनती का, जोड़ का, घटाव का, गुणा भाग का, लंबाई का, चौड़ाई का, दूरी का, निकट का, पास का, ऊंचे का, नीचे का, ऊपर का, वृद्धि का, हमें तो ये कौन सा थी। अच्छा दूसरा, ओके मैं बताता हूँ, आपकी टीम को रिक्वेस्ट है थोड़ा सा इसमें बदलाव करें अगर आप लोग सहमत हो। जो पार्क है ना, पार्क पार्क मैथ के कॉन्सेप्ट को देखने के लिए तो ठीक है, बट ये बारा नहीं, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बच्चा वहां सीख रहा है। जैसे मैंने कल परसों एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर पौड़ियों के ऊपर गिनती लिखी हुई है तो वो बाला है कि तू 8 नंबर पौड़ी पे खड़ा है और मैं 2 नंबर पौड़ी पे खड़ा हूं, तेरे मेरे बीच में 6 पौड़ियों का गैप, बाला पौड़ियों सर। आप डाइट प्रिंसिपल हो, आपको अथॉरिटी मिलेगी कि आप जाके चेक करके आओगे लोग के स्कूल, डिस्ट्रिक्ट के स्कूल, आप नहीं फेयर करोगे जो आप अपने साथ लेके जाओगे, आप उनको भी ये सोचोगे कि मैं जर्मन बंदे को ही लेके जाऊंगा, तो होती है ये चीज़। तो कंटिन्यूस प्रोसेस बन सकती है। हाँ बिल्कुल, हमारे पास टीम है पूरी। और जैसे सर प्रिंसिपल है, सर प्रिंसिपल है, ये आप अगर किसी सीआरसी को चेक करने जाओगे तो आप तो जेन्युइन ही करोगे, बेशक आपका दोस्त, आप उसको कहोगे कोई नहीं अगली बारी तेरा निकाल देंगे, वो तो तरीके होते हैं। इसकी बार तो इसका अच्छा है, इसका काम का मुझे नहीं लगता कोई जिद पकड़ के बैठे रहेंगे। नहीं मुझे ये नाम मैम, आप तो जा रहे हो कि नाम जाने को, मैं इस साइड पे जाना चाहता हूँ कि हमारे 40,000 टीचर हैं उसमें से 8,000 के मिंदर जी, 32,000 की बात करता हूँ। एक काम आपा करेंगे, अपने रूम सेट करेंगे पहली दूसरी और तीसरी के, और उसकी वीडियो फेंकेंगे, उसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे ताकि कम से कम 10-20 और। मैं इस काम पे है ना बड़ी जल्दी काम कर रहा हूँ, मैं अपने वहाँ पर है ना एक वो करवाऊंगा वर्कशॉप करवा के, मैं उसके अंदर पहली के रूम में क्या होना चाहिए, दूसरी के रूम में क्या होना चाहिए और तीसरी के रूम में क्या होना चाहिए, और 100% उनकी जो आउटपुट है ना बच्चों की वो मिलेगी, उनको आएगी वो, और हम तैयार करेंगे और हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल हो सकते है। हाँ, चार्ट के माध्यम से और जो TLM है उसके माध्यम से हम कमरे उन कैसे कर दें बच्चे को हर चीज आना जरा रखते हुए, जो उन्होंने हमें टाइम डिवाइड के लिए दिया था कि 90 मिनट हमें हिंदी के चाहिए और 60 मैथ के और 60 दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश जो हमारी लगी है उसमें हम डिवाइड करें। सर हमने सबने ये भी सोचा है कि एक 45 मिनट का टाइम हमारे पास ऐसा भी रहना चाहिए कि जिसमें हम अपना नेक्स्ट डे की तैयारी या कुछ हमें TLM मेंटेन करता है करना है। ये सर हमारा मेन पॉइंट मतलब इसमें जो चेंज है।
या पेपर वर्क या ऑनलाइन कुछ भी काम इस तरह का करना है तो हमें कुछ लास्ट में 45 मिनट इसलिए दिए जाए। और एक हमारा था कि वो जो ट्रेनिंग की बात की गई उसके लिए टीचर सेलेक्ट कर दिए जाए कि ये एक्सेलेंट टीचर हैं उन्हीं को ट्रेनिंग दी जाए। और वो ट्रेनिंग ऐसा भी हम सोच रहे हैं कि ग्रेड 1-2 मतलब जिसको एक बार ट्रेनिंग मिल गई उसको थोड़ी शॉर्ट ट्रेनिंग मिल सकती है सर, और थर्ड वाले को उससे थोड़ी शॉर्ट मिल जाए। मतलब जो एक बार ट्रेनिंग ले लिया उसके लिए बार बार उतना समय ना लगाया जाए। ट्रेनिंग्स के मतलब 3 स्केल कम से कम हो सर, भी जिसने फर्स्ट ग्रेड की ले ली वो सेकेंड ग्रेड की ले, फिर थर्ड की। और उसके लिए सर कि ये एक्सेलेंट टीचर कैसे हम सेलेक्ट करेंगे उसके लिए थोड़ा चार्ट भी हमने बनाया है। जैसे किसी स्कूल में अगर एक ही टीचर है और वो 5 कक्षाएं पढ़ानी है तो वही टीचर एक्सेलेंट होगा, उसी को ही फर्स्ट सेकंड थर्ड भी पढ़ाना है। ट्रेनिंग तो सब की करा रहे हैं, 40,000 प्राइमरी टीचर है, सबकी ट्रेनिंग कराएंगे, चाहे वो एफएलएम क्लास पढ़ा रहा है चाहे नहीं पढ़ा रहा है। कभी भी जैसे मोनिका मैं मोनिका दोनों एक ही स्कूल में, मान लो तो मोनिका अभी एक क्लास को 5वीं में छोड़ आए तो होगा क्या कि मेरे पास 4th क्लास है, मैं तो अपनी क्लास को 5वीं में करूँ और मोनिका क्या करेंगे, मोनिका 1ली क्लास को लेंगे, है ना, सब कुछ। हाँ, और कई बार मल्टी ग्रेड मल्टी लेवल टीचिंग कराने में 2 टीचर है तो ट्रेनिंग तो सबकी होती है। अच्छा मैं ना एक मिनट मीतू मोनिका मैं इसको समझना चाहता हूँ, क्लास प्रिपरेशन टाइम से आपका क्या अभिप्राय है? देखो इसमें ना आप रिकमेंड तो कर दो, तो जब आप रिकमेंड करोगे मैं लागू भी करवा दूंगा। थोड़ी सी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं बताता हूँ क्या, सुनो, राइट टू एजुकेशन एक्ट में हर बच्चे को 3-4 घंटे मिलने साथ, एक्ट में लिखा है 45 आवर्स पर वीक लगना चाहिए। इस पर ना मत करना का गर्व होता है सारा मत, तुम कहाँ यहाँ बैठ के प्रिपरेशन कर, प्रिपरेशन वाली बात अगर करोगे तो प्रिपरेशन वाली बात तो ऑलरेडी एक्ट में लिखी हुई है, समझे? उसका ना कुछ और नाम दो तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज क्या होगा वो कहेंगे वो वहाँ बैठे थे उन्होंने 45 घंटे का हमारा स्कूल करवा दिया। 45 अपना स्कूल पता है इस समय कितने घंटे का है? इस समय अपना स्कूल कितने घंटे का है हफ्ते में? कितने घंटे स्कूल होता है? 45 घंटे। अरे मोदी जी से चलो मान लो, सुनो मोनिका सुनो, एक सैटरडे भी है बीच में, वो भी है 5 दिन बन गया, 45 × 2 = 90 180 आवर्स पर मंथ, जबकि एक सेकंड सैटरडे को तो 6 दिन लगते हैं। हाँ, वो भी छह निकल गए। तो आप इसको ना कुछ और नाम दो नहीं तो ये रुकेंगे, ठीक है।